हाँ तो यार दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ 120 फीट हाइट वाली टैंकी के नीचे, जो कि आप देख सकते हैं। ऊपर हमारी जो 120 फीट हाइट वाली टैंक है वो है, और हमने इस टैंक के साथ काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। हमने टेलीविजन गिरा दिया, फ्रिज गिरा दिया, और क्या कुछ नहीं गिराया इस चीज से, मगर एक चीज जो है वो ये बाकी रह गई। तो आप जानते हैं कि ये जियो फोन होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत आता है। हमने इसको तेल में तल दिया, मिक्सर ग्राइंडर से ग्राइंड कर दिया, मगर फिर भी इसकी मजबूती लगातार टिकी रही, मगर 120 फीट की हाइट भी कम नहीं होती। तो क्या होगा अगर मैं इस जियो फोन को चालू कंडीशन में 120 फीट की हाइट से नीचे गिराऊं? तो दोस्तों ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो फोन है बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में, आप देख सकते हैं इसके अंदर से ट्यून भी बज रही है। एक मिनट, तो आप साफ तरीके से सुन सकते हैं, और ये बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में, इसकी डिस्प्ले, ईयरफोन सारे वर्किंग कंडीशन में। तो अब ये देखना बाकी है कि यार क्या होगा जब 120 फीट की हाइट से मैं इस जियो फोन को ड्रॉप कर दूं। चलिए ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये फोन किस प्रकार से वर्किंग कंडीशन में है, जो इसकी रिंगटोन है वो अभी भी चालू है। तो पहले इस रिंगटोन को हम बंद करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि क्या होगा इस जियो फोन का, क्योंकि 120 फीट से इसकी आज टक्कर होने वाली है। और देखते हैं कि यार जब हमारे जेब में ये फोन रहता है तो कई बार नीचे गिर जाता है, कई बार टूटता है फूटता है, तो आज क्या होने वाला है इसका 120 फीट की हाइट से फेंकेगा। तो मगर सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ कर दीजिए शेयर। तो अब मैं इसको ड्रॉप करने वाला हूँ। हाँ तो गाइस यार, मैं इस जियो फोन को गिराने से पहले इसके अंदर जो रिंगटोन आती है वो बजा दूंगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यार हमने कोई डमी पीस नीचे गिराया। तो मैं इसको पहले चालू कर देता हूँ, तो आप आसानी से सुन सकते हैं, और ये बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में। तो अब मैं गिराने वाला हूँ, 1 2 3। हाँ तो दोस्तों, मैंने उस जियो फोन को 120 फीट की हाइट से गिरा तो दिया है। हमारा जियो फोन इधर पड़ा, इसकी बैटरी और पीछे वाली जो डब्बी आती है वो यहाँ पर पड़ी। इसके अंदर तो क्रैक नहीं आया, मगर बैटरी देखते हैं कि क्या हुआ। आप देख सकते हैं जो बैटरी है वो पूरी तरीके से बैंड खा चुकी है, और मैं अभी इस फोन को वापस चालू करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कि इसके अंदर बैटरी लगती है या नहीं। बैटरी तो लग गई है, और अब मैं इसको चालू करने की कोशिश करता हूँ। मुझे नहीं पता आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, मगर ये फोन बिल्कुल भी चालू कंडीशन में नहीं है, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो पूरी तरीके से मोच खा चुकी है और पूरी तरीके से बैंड हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो बैंड है वो पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो में जरा सा भी मजा आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं नए और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। ये तो गया हमारा।